की बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बाड़ेबंदी। मदन दिलावर, रामलाल शर्मा, वासुदेव देवनानी, जब्बर सिंह, फूल सिंह मीणा, सुरेंद्र सिंह राठौर, छगन सिंह, राजपुरोहित समेत कई विधायक होटल के लिए रवाना। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी, जिसमें जब्बर सिंह, फूल सिंह मीणा, सुरेंद्र सिंह राठौर और कई विधायक मौजूद। छगन सिंह, राजपुरोहित समेत कई विधायक होटल के लिए रवाना हुए। राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बाड़ेबंदी। आपको बता दें, आने वाली 10 तारीख को यानी कि 10 जून को राज्यसभा चुनाव होने हैं 4 सीटों पर। जिसको लेके भाजपा विधायकों की बाड़ेबंदी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उदयपुर पहुंचे हैं। बीजेपी की बाड़ाबंदी नहीं, हमारा प्रशिक्षण शिविर है और वो इसलिए है कि राज्यसभा का चुनाव दूसरे चुनाव से डिफरेंट होता है, इसका वोट डालना भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए राज्यसभा चुनाव का वोट का एक प्रशिक्षण होना जरूरी है। बूथ सशक्तिकरण का अभियान जो चल रहा है उसकी भी वहाँ पर चर्चा होगी, किस प्रकार से प्रत्येक बूथ जहाँ पर हम हारते हैं उनको सशक्त करके और उनपे भी जीते। कांग्रेस के खुद के विधायक मतलब असंतुष्ट है, निर्दलीय विधायक असंतुष्ट है, पूरे खेमे में सब एक हो गए होंगे, पर वो वोट भारतीय जनता पार्टी अब दोनों सीटें निकाल के देगी। बहुमत आप देखना, मतलब जब काउंटिंग होगी तो बहुमत सिद्ध हो जाएगा कि दोनों सीटें हमारी है। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर आज से बीजेपी भी अपने विधायकों को बाड़ेबंदी में रखने जा रही है। बीजेपी मुख्यालय से बीजेपी के तमाम विधायक हैं जो बस में बैठकर यहां से होटल के लिए रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय से ये तस्वीरें, जहां से बसों में बैठकर बीजेपी विधायक रवाना हो रहे हैं। धर्मनारायण जोशी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक। धर्मनारायण जी, आज से बाड़ेबंदी में रहेंगे कांग्रेस? बाड़ाबंदी नहीं कहिए इसको, ये हमारे भाजपा के जो विधायक है, पिछली बार हमारा एक वोट खारिज हो गया था, तो कार्यकर्ता प्रशिक्षण लेंगे और एक ऐसा मान के चले सामूहिक रूप से ऐसा एक प्रसंग आ गया है कि वो प्रसंग के कारण सब साथ रहेंगे, कोई बाड़ाबंदी नहीं है, सबके मोबाइल चालू रहेंगे, सब आ जा सकेंगे, इसलिए कोई किस प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, केवल साथ रहेंगे और वोट कैसे डालेंगे। आपने देखा होगा पहले भी एक विधायक का वोट खारिज हो गया, ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा हो इसके लिए सब साथ रहेंगे। बिहारी लाल जी भी हमारे साथ हैं। बिहारी लाल जी, कितनी उम्मीद है दूसरी सीट को लेकर? पूरी उम्मीद है, जो जबरदस्ती जिनको लेके गए ऊपर वाले मन से, वो किसी डर से किसी दबाव में, वो सब भारतीय जनता पार्टी को समर्थित उम्मीदवार को वोट करेंगे। आपको भी ले जाया जा रहा है? हमारा तो प्रशिक्षण वर्ग है, 3 दिन साथ बैठेंगे सभी, अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षण होगा, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है बीजेपी के पास कुछ खोने के लिए नहीं है, बीजेपी दूसरी सीट जीत रही है, दावा किया जा रहा है कि दूसरी सीट बीजेपी जीतेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं बीजेपी कार्यालय से रवाना हो रहे हैं, महिला विधायक भी हमारे साथ हैं जो यहाँ से रवाना हो रही है। अनिता बदेल हैं, अनूपगढ़ से विधायक हैं, वो भी रवाना हो रही है। मंजीत जी हमारे साथ हैं। मंजीत जी, कितनी उम्मीद है दूसरी सीट को लेकर, कितनी आश्वस्त? देखो, उम्मीद ही नहीं, पूरा आश्वस्त है कि दूसरी सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी 100% तौर पर जीत के आएगी। लेकिन आज से बाड़े में रहेंगे, कांग्रेस पर सवाल उठाए जा रहे थे कि बाड़े में रखा जाए। देखो, प्रशिक्षण शिविर है, आप भी जानते हैं समय समय पर जब मतदान होता है, जैसे मैं खुद पहली बार जीत के आया हूँ, पिछली बार भी हमने मतदान किया, तो इस बार प्रत्याशी 5 है, तो कहीं ना कहीं वीरता क्रम डालना पड़ेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं भाई किसी विधायक से गलती नहीं हो जाए, तो उसके लिए प्रशिक्षण शिविर है। वोट 30 ही आपके पास चाहिए, 41 कैसे पूर्ति होगी? निर्दलीय विधायक खुले हैं, उनका मन है, तो आने वाले समय में सरकार बदलेगी, हो सकता है हमारी तरफ झुक जाए। लेकिन बाड़ेबंदी में गए हैं वो तो सारे कांग्रेस के साथ हैं। वो समय आएगा तब पता चलेगा सब कौन किसके साथ। देखिए, बड़ी उम्मीद है बीजेपी के विधायक हैं मंजीत धर्मपाल, उनको कि बीजेपी के साथ निर्दलीय विधायक आएंगे। शंकर सिंह रावत जी भी हमारे साथ हैं। शंकर जी, किस तरह से देखते हैं आज से बाड़ेबंदी शुरू हो गई है राज्यसभा में, उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी जीतेंगे? प्रशिक्षण है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? चाहिए 41 वोट, 30 वोट है, वोटों से जीतेंगे। कहाँ से आएगा समर्थन, कहाँ से जुटाएंगे? ऊपर से आई है। मुरावतिया जी, जो समर्थन कहाँ से जुटाएंगे? 41 वोट चाहिए, 30 है आपके पास? हमारे भारतीय जनता पार्टी में तो पूरे वोट है हमारे लिए, दूसरी सीट के लिए। दूसरी सीट के लिए बड़े नेता जाने, मैं तो वोट देने वाला हूँ। मुरावतिया जी कह रहे हैं कि दूसरी सीट के लिए बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो जुटाएंगे समर्थन, लेकिन हमारे पास
पहली सीट के लिए पूर्ण बहुमत है, कितनी उम्मीद है, क्या मानते हैं आप दूसरी सीट को लेकर आश्वस्त है बीजेपी? दूसरी सीट का आश्वस्त है ना, निर्दलीय उम्मीदवार है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय लोगों का उनके साथ में है। निर्दलीय तो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस कैसे साथ में, निर्दलीय निर्दलीय तो हमेशा एक होते हैं और ये एक है। कारण क्या है कि निर्दलीय को साथ में रख करके तीन साल के अंदर कोई भला नहीं किया इनका। कांग्रेस के कैंप में है निर्दलीय विधायक? अरे वो कैंप में है लेकिन फिर भी इधर आएंगे, वो इधर आएंगे। हाँ, पूरी उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है। तो बीजेपी के विधायक हैं, हालांकि पूरी उम्मीद है और कह रहे हैं कि लगातार कि निर्दलीय विधायक निर्दलीय उम्मीदवार के साथ आएंगे। पहली सीट के लिए बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है और दूसरी सीट की जीत को लेकर भी पूरी तरह से आश्वस्त है। इन तमाम विधायकों को आज से 10 जून तक यानी कि मतदान तक वहां पर होटल में ही रखा जाएगा। जयपुर में ही बाड़ेबंदी की गई है और वहां पर इन विधायकों को रखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।